चीज की गणना, इस द्वैत की गणना का ही स्वरूप संसार है। कभी गंभीरता से विचार करें तो जगत की किसी भी वस्तु का सुख सदा घटित होता है। पहले दिन उसमें जो सुख मिलेगा दूसरे दिन वैसा नहीं मिलेगा, तीसरे दिन वैसा नहीं होगा, पांचवें दिन और कम, पंद्रहवें दिन और कम, एक महीना बाद और कम, सदा ऐसा ही है। नई नई वस्तु का जितना सुख होगा एक महीना बाद उसी वस्तु में वो सुख नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। कोई भी नया साधन लेकर के आए, कोई भी साधन, संसार की वस्तु जब समय निकल जाता है तो पुरानी हो जाती है, और भगवत संबंधी वस्तु जब समय निकल जाता है तो प्राचीन हो जाती है। पुराने होने में और प्राचीन होने में बहुत अंतर है। पुराना सुनते ही अरुचि पैदा हो जाती है, अरे ये वस्तु तो बहुत पुरानी है, पर प्राचीन सुनते ही वस्तु के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, अत्यंत श्रद्धा। जगत का संबंध जितना पुराना होगा शुष्क हो जाएगा, और रघुनाथ का संबंध जितना पुराना होगा पुष्ट होता चला जाएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद अम्बुदी का धीरे 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 वर्धन होता है। जैसे 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 अनुभव बढ़ता जाएगा उसकी मस्ती बढ़ती जाएगी। संसार जितना समझ आता जाएगा उतना छूटता जाएगा। और ठाकुर जी भागवत कथा सेवा संत जितना समझ आता जाएगा उतना हमारी श्रद्धा उतना हमारा समर्पण बढ़ता चला जाएगा। सदा ही इसका स्वरूप ऐसा है। धीरे धीरे आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद अम्बुदि का हर क्षण वर्धन होता है। दुख और सुख केवल परिवर्तनशील है पर आनंद सदा विकासशील है। इन दोनों में अंतर है। सुख जितना सुख वाली व्यवस्था में जितना दुख घटता जाएगा उतना सुख बढ़ता जाएगा। ये पूरक है, पूरक। सुख वाली व्यवस्था में जितना दुख बढ़ता जाएगा सुख कम होता जाएगा, दुख वाली व्यवस्था में जितना सुख बढ़ता जाएगा दुख कम होता जाएगा। जैसे बहुत गर्मी हो, लाइट भी नहीं आ रही हो तो बड़ी दुख की बात है। ये तो शीतोष्ण सुख दुख, दुख की बात है। उसी समय कोई व्यक्ति आया और उसने देखा कि भैया बड़ी गर्मी लग रही है इसको, तो अपना दुपट्टा लेके और आपके ऊपर झलना शुरू कर दिया, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर इतने बड़े दुख में ये छोटी सी व्यवस्था सुख के कारण आपको थोड़ा जरा आराम मिलेगा, आप कहोगे कोई बात नहीं इस दुख में कुछ तो सुख हुआ। फिर थोड़ी देर बाद कि उसी ने पंखा लगा दिया और सुख हुआ। अब मुश्किल ये हुई कि पंखा तक बात होती तो ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने कूलर लगा दिया। तो धीरे धीरे जो गर्मी दुख का कारण था उसमें सुख की व्यवस्था उस दुख को शिथिल कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने एसी लगा दिया, वाह। अब मुश्किल ये है कि एसी होते हुए भी चले ना और कूलर चलाना पड़े तो महा दुख। बताया ये दिखाने के लिए, यही हम आपको निवेदन कर रहे थे, अनुभव की बात है। पूर्ण सुख है एसी चल गया गर्मी में चकाचक। अब इसमें कोई कारण दुख का बने
कूलर तो लग गया पर एसी के कारण उसका सुख ही नहीं बन रहा, हवा तो ये भी दे रहा है, गर्मी तो ये भी भगा रहा है। बस इसी उतार और चढ़ाव सुख दुख के कारण जीव का हृदय मोहग्रस्त होने लगता है, अज्ञान वशभूत होने लगता है। छोटी सी चीज,